गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद ऐसे व्लॉग कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है आई थिंक 2 महीने तो हो ही गए होंगे। सो टुडे इज संडे एंड बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस। आई डोंट नो कितना टेम्परेचर है बट सीने और आ रहा है, इसलिए टू स्टे हाइड्रेटेड हम नारियल पानी पी रहे हैं। आप पानी पियो, हम नारियल पानी पियेंगे। मैं इसको फ्रिज में डाल देती हूँ, उसके बाद ये इतना ठंडा ठंडा हो जाता है, मज़ा आ जाता है। सो यस, एक्चुअली लास्ट वीकेंड हम शूट कर रहे थे फॉर आर मैटरनिटी, सो मैं सोच रही तब व्लॉग बनाऊंगी बट याद ही नहीं रहा, और कि घर पे ही करवा रहे थे, ऐसे किसी स्टूडियो वगैरह में नहीं गए थे। पहले ही आई एम प्रेगनेंट एंड उसके बाद गर्मी और सब कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि बस वो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ले ली, नहीं तो उसके बाद तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं इंस्टाग्राम में डालूंगी, अभी तक डाली नहीं मैंने। If you haven't followed me yet on Instagram, so वहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फोटोज एट ऑल। शक्ल भी ऐसे हो गई ना, अब टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो शक्ल भी बदल गई है, हालांकि मैंने इतना वेट गेन नहीं किया प्रेगनेंसी में। शक्ल देख कर मुझे खुद भी नहीं लगता मैंने किया है, सारा वेट मुझे लगता है बेबी पे गया है मैक्सिमम, विच इज़ अ गुड थिंग, बेबी पे ही जाना चाहिए। खुद तो मोटे ना हो तो अच्छा ही है, क्योंकि पता नहीं क्या क्या फिर बीमारियां लग जाती है। एंड टच वुड अभी तक सब ठीक है। और आई नीड टू इंट्रोड्यूस समवन, कम हियर बेबी, बता दो तू आज कौन आया मेरे घर पे, कम हियर। नो कोई नहीं, मैं अंदर भी आ सकती हूँ वैसे। हे समवन, हाय हाय, देखो कितना बड़ा हो गया, छोटा सा था जब मैंने सबसे पहले जो ब्लॉग डाला था ना, जब मैंने पूछा था आप क्या करते हो, आपने क्या बोला था? क्या करते हो? कुछ नहीं। याद है? अब देखो कितना बड़ा हो गया, खड़ा हो गया दिखा, पीछे छोड़ दिया मुझे। वैसे मैं इतनी लंबी हूँ भी नहीं बट ये ज्यादा लंबा हो गया, कहाँ जाके मानोगे बेटा, कहाँ रुक के मानोगे। वैसे सही है, हाइट बढ़नी चाहिए, गुड। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर लोग क्या कर रहे हैं। फोन पे बात कर रहे हैं। आपकी छुट्टी कब तक है? 30 तक। सो मुन्नू बताओ, कल आप आए हो रात को, नींद पूरी हो गई आपकी? हाँ। कितने घंटे सोया? 10 घंटे। 10 घंटे मैं अपनी जिंदगी में सोई हूँ। जिंदगी हो तो ऐसी हो। तो आज क्या क्या प्लान है, क्या करना है? आधा दिन तो गया ही। आधा दिन तो गया, तो आधा दिन तो बचा है। आज क्या करोगे फिर बताओ? सबसे पहले थोड़ी देर बाद पार्क में जाऊंगा। आप फिर घूमूंगा। फिर स्विमिंग पूल में जाऊंगा, फिर वहाँ पे स्विमिंग करके फिर घर पे आऊंगा। ओके ओके, लेट्स सी। स्विमिंग पूल में लोग एक दो नजर आ रहे हैं, मैंने तो करनी है नहीं, आप मोसा जी के साथ कर लेना, है ना। देखते हैं आज क्या करते हैं, गर्मी तो इतनी हो रही है, मेरा तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। अभी तो मुन्नू है हमारे साथ कुछ दिनों तक, सो अभी हम राज में चावल खाएंगे, देन We will see what we do in the evening. तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो, हेलो। क्या कर रहे हो आप लोग? कैसे हम दोनों ही बच्चन पांडे में क्या रहे हैं। लगी मुन्नू बच्चन पांडे? एक नंबर, एक नंबर दिख रहा है एक ना? नंबर तो नहीं थी, दूसरा नंबर? एक नंबर तो नहीं थी, ठीक थी वन टाइम वॉच। वन टाइम पंकज त्रिपाठी संजय मिश्रा ले रखा है फिल्म के अंदर डायलॉग, मुश्किल से लोग उसको नाम के लिए ले रखा है सर। जैकलिन ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी उसके एज अंदर। ऑलवेज मैंने फ्लॉप होने लायक तो नहीं थी, बट इतनी अच्छी भी नहीं थी। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ही बकवास लग रही थी। हाँ, मैं तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी। नहीं, मैं हमने स्टार्टिंग पूरी में देखी ना दी, आप तो आप चले गए थे बीच में। मैंने देखी थी पूरी। सो किस चीज का वेट कर रहे हो? वीकेंड है, हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, हमारे कामों वाले मर गए भूख से लेट, और ये मेरा मासूम सा बच्चा भूखा है। पहला दिन है मुन्नू का और खाना लेट मिल रहा है ना ना। ठीक है, हम खा लेंगे, आप और लेट खाना। स्विमिंग करने चलेंगे ना फिर? और स्विमिंग की तैयारी हो गई, दिखाओ कैप। ओके गुड, एंड गॉगल का है आपके? ओके ठीक है, बड़ा है। कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम का है नाड़ा है उसमें। अरे वैसा है फिर पिछली बार ट्रेजेडी दोबारा होगी तो। ये रहे अपने राजमा चावल। The next morning. Hey guys, welcome back to another day. कल एक्चुअली व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया था, बट कल कुछ ऐसा था, मतलब लेजी लेजी डे होता है ना, संडे था, पता नहीं लेट खाना खाया और फिर मैं सो गई, तो मतलब जो मैंने सोचा था एक्चुअली वो हुआ नहीं। बहुत कुछ सोचा था कि वीकेंड में बाहर जाएंगे, मुन्नू आया था तो सोचा था कि कुछ आउटिंग वगैरह करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा कि मैंने चाय बनाई, अभी चाय वाय पी ली है, ब्रेड ब्रेड खा ली है। इट्स काइंड ऑफ अ प्रेगनेंसी डे कि मैं पूरे दिन में प्रेगनेंसी में क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। जब से कल परसों से मुन्नू आया तो मैं टाइम से सो भी रही हूँ लकीली। वो मुझे लगता है दिस इज द गुड टाइम टू शेयर विद यू गाइज कि वट आई ईट इन अ डे। अभी फिलहाल मैंने ऑलमंड ले रखे हैं खाने के लिए रात भर, मतलब सोक करके, तो और अब मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, योगा वर्कआउट टाइप से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी गायनों ने भी यही बोला था कि 36 वीक के बाद आप करना, मतलब पोछा लगाना और जो भी करना है, और वॉक तो आप कर ही सकते हो, वॉक करने का भी मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा, तो मैं सोच रही हूँ अब रिगोरियसली करूँ, करती हूँ जब टाइम मिलता है, बट अब मैं रिगोरियसली करना चाहूँगी क्योंकि आई डोंट वॉन्ट सी सेक्शन, मैं चाहती हूँ नॉर्मली हो जाए, बाकी भगवान की इच्छा है कैसे होता है क्या होता है, मेरी हिम्मत कितना साथ देती है, तो बस उसी के लिए पानी वानी पी रही हूँ और ताकि सब कुछ स्मूथ रहे, और मेडिटेशन वगैरह मैं सोच रही हूँ कर लूँ स्टार्ट, क्योंकि बहुत दिमाग में ऐसे आ रहा है जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है ना, अब तक तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी, और एक हफ्ते से मेरे दिमाग में अब जैसे चलने लगा है कि अब क्या होगा कैसे होगा। सो या होपिंग फॉर द बेस्ट। और एक जो मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है विच इज नेक वाला, मेरा फेस और नेक का कलर एकदम ही चेंज हो गया। ये चीज़ मैंने अपने सिस्टर वगैरह में भी नोटिस की थी कि नेक का कलर एकदम चेंज हो जाता है, और मतलब कितना ही तुम साफ कर लो ठीक ही नहीं होता, तो वो थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लगता है। थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ और उसके बाद मेड आ जाएगी, फिर खाना वाना खाना है, एंड आई होप ये व्लॉग मैं आज पूरा कर पाऊँ और पूरा दिखा पाऊँ मैं क्या करती हूँ पूरा दिन। सो या स्टे ट्यून्ड। Thank you.
लंच में मैंने लिया है भिंडी और दाल जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और चपाती एंड विद सैलड और हाँ छाछ भी ली है जो गर्मियों में बहुत हेल्प करती है आपको मतलब हाइड्रेटेड भी करती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बस कुछ दिनों की बात है। चलो लगाओ हाथ लगाओ। वेरी कैमरा शॉय। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना हाथ पैर लाना बंद कर देता है। कुछ बोलो उसको। कुकू। चलो स्टार्ट कीकिंग। मैच स्टार्ट हो गया। आप कहाँ हो? कम ऑन कुकू। फुटबॉल आ रही है आपके पास? हेलो। किक मारो। He is so clever. बोल के कुछ नहीं करेगा पता चल गया अभी से मुझे। घूमी घूमी करने चले। चलो भाई। चले। चलो। चलो मम्मा। Time is very, very difficult. Very difficult to even walk. गर्मी तो है ही but it takes a lot of stamina. अब पैरों की हालत और पेट की हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो रही कि मैं चल पाऊँ but ठीक है अभी है time मेरे पास। थोड़ा सा आराम करती हूँ उसके बाद कुछ अपने लिए बनाती हूँ प्रोटीन वगैरह और देन आई विल अपडेट यू कि मैंने क्या खाया। ऑलराइट गेट बैक टू यू सून। हालत ख़राब हो गया ना मुझे नहीं पता था मैं व्लॉग बनाऊँगी तो मैं बिल्कुल ऐसे डल रहने वाली हूँ बट थैंक्स टू दिस मौसम। काश बारिश आ गई होती तो थोड़ा मेरा मूड भी ऐसे चिल हो जाता बट कोई नहीं जो रियलिटी है वो है। कैच यू सून। देन एक घंटे की नैप के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी सो मैंने सोचा कि प्रोटीन शेक बना लेती हूँ एंड तो मैंने यहाँ दो केले ले लिए हैं और मैं उसमें प्रोटीन डाल रही हूँ और इसके साथ साथ पीनट बटर भी ताकि और ज़्यादा मुझे प्रोटीन मिले एंड उसके ऊपर मैं मिल्क डाल दूँगी और इसको ग्राइंड करके मेरा प्रोटीन शेक रेडी हो जाता है। सो हेयर कम्स द प्रोटीन। वाओ सो यमी। और अब दो घंटे बाद मैंने डिनर किया सो दिन की जो दाल थी वो ली है सम राइस और भिंडी थी सो दिस वाज माय हेल्दी एंड लाइट डिनर। कौन किसे समझा